चेहरे की रंगत निखारने के लिए हम सभी कई तरह के क्रीम, लोशन और मास्क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी आईने के सामने खड़े होकर अपने अंडर आर्म्स पर गौर किया है? यूं तो समय की कमी के चलते ज़्यादातर लड़कियां रोज़ रेज़र यूज़ कर लेती हैं, लेकिन रेज़र यूज़ करने के साइड इफ़ेक्ट बहुत बाद में उनके सामने आते हैं। कुछ लड़कियाँ हेयर रिमूवर क्रीम का भी इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इनमें भी मौजूद केमिकल्स भी स्किन पर बुरा असर डालते हैं। जो लोग स्लीव्स पहनते हैं उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि उनके अंडर आर्म साफ़ हों। अगर अंडर आर्म्स काले हैं तो आप चाहे जितनी भी महंगी ड्रेस क्यों ना पहन लें, वो बुरी ही लगेगी। अगर आपको भी अंडर आर्म से जुड़ी ये परेशानी है तो इन घरेलू उपायों को अपनाकर आप इसे छुटकारा पा सकते हैं। तो हमारा पहला घरेलू उपाय है आलू से मसाज करना। आलू एक नेचुरल ब्लीच है। आलू को गोलाई में पतले पतले स्लाइस में काट लें। इन स्लाइस से 5 से 7 मिनट तक अंडर आर्म्स की मसाज करें, फिर ठंडे पानी से अंडर आर्म्स साफ कर लें। सप्ताह में 2 से 3 बार इस प्रक्रिया को करने से फ़ायदा होगा। नंबर 2 है नींबू और बेकिंग सोडा का मिश्रण। नींबू भी एक नेचुरल ब्लीच है। अगर आपके अंडर आर्म्स बहुत अधिक काले हो चुके हैं तो इसमें थोड़ी सी मात्रा में बेकिंग सोडा भी मिला सकते हैं। नींबू और बेकिंग सोडा के मिश्रण को आप स्क्रब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इस उपाय को आप सप्ताह में 2-3 बार प्रयोग में ला सकते हैं। तीसरा है नारियल का तेल। शरीर पर मौजूद हर तरीके के दाग धब्बों के लिए नारियल तेल लगाने की सलाह दी जाती है। नारियल तेल को आप चाहें तो कपूर के साथ मिलाकर भी लगा सकते हैं। इसमें मॉइस्चराइज करने का गुण पाया जाता है। नंबर 4 है चीनी का स्क्रब। कालेपन को दूर करने के लिए चीनी का स्क्रब बहुत ही फायदेमंद है। चीनी को नींबू के रस के साथ या फिर नारियल तेल के साथ मिलाकर स्क्रब तैयार किया जा सकता है। इसके नियमित इस्तेमाल से स्किन सॉफ्ट भी हो जाएगी और कालापन भी दूर होगा। नंबर 5 है वैक्स करना। हालांकि वैक्स कोई नेचुरल तरीका तो नहीं है, लेकिन ये आसान और कम समय में ही आपको असर दिखा सकता है। एक तो इससे बाल जड़ों से निकल जाते हैं, दूसरा इसके इस्तेमाल से डेड स्किन भी साफ़ हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें।